यहाँ पर ये चार बने लिखे हैं। आखिर कोई भी कर्म बनेगा तो क्रिया और हेतु दो के मिलने से ही होगा। इस समय आपको देखना है किस समय कौन सी क्रिया रहती है, किसमें क्रिया न रहते हुए सिर्फ हेतु ही रहता है। ये दोनों बात अगर आप देखो तो रोज के जीवन काल में आपको ख्याल आ जाएगा। यहाँ पर ये बात आ रही है कि ये आत्मा है हमारी और इस आत्मा को यहाँ पर जो है ये कर्म का बंध होना है। अगर कोई कर्म बनता है तो कैसे बनता है? क्रिया उसके साथ में जुड़ी है लेकिन क्रिया सहेतुक है। सो ईच एंड एवरी एक्टिविटीज विद दैट टाइप ऑफ इंटेंशन। अगर हेतु साथ में है और उस हेतु पूर्वक आपकी वो क्रिया हो रही है तो कर्म निश्चित बनता। अगर आपकी क्रिया हो रही है और हेतु नहीं है, क्या ऐसा भी होता है, तो कर्म बनेगा या नहीं बनेगा? तो कर्म के बनने की प्रक्रिया और जैसा कर्म बनता है, अगर बरोबर आप कर्म बनने की क्रिया देखो तो हमारा रोजिंदा जीवन आपके ख्याल में आ जाए। प्रतिदिन के जीवन व्यवहार के अंदर कब हमारी कौन सी क्रिया हो रही है, कब हमारी क्रिया शुभ हो रही है कि अशुभ हो रही है, कब हमें इस क्रिया के साथ में हमारा हेतु क्या मिले, बोलो सर। पैसा आटे देखे ना बाजो चश्मा माजिए चश्मा दो भाषा नहीं लेना। ये मैंने लिखा है नंबर एक। इसमें आपने क्या देखा, क्रिया है परंतु हेतु, ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा? क्रिया वैरी है पर कोई हेतु को नहीं। मम्मी बच्चे को थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ मारने की क्रिया हो रही है, हेतु है कि नहीं है? तो नहीं है कि कन क्या आप भाई यूज मन में है थप्पड़ मारे ही है। आप हेतु कोई तो है, आप किस हेतु से आपने थप्पड़ लगाए? तो वहां पर आपको ये देखना है, ये पहला नहीं बैठा। अब क्रिया भी हो रही है और हेतु भी है, तो मम्मी ने थप्पड़ मारने की क्रिया भी की और हेतु भी साथ में आ गया। अब ये बरोबर ले जाकर आपको कर्म बंधा है, ये बरोबर कर्म बंधाएगा। लेकिन अब इसके अंदर हेतु नहीं है तो नहीं है, लेकिन क्रिया तो हुई, क्रिया हुई, बनो को ही करनो सा। चलो आप बोलोगे मजाक है मश्करी है, तो मजाक मश्करी भी क्रिया का हेतु है। करने मजाक मश्करी करनी थी तो हेतु बनियो कि नहीं बनियो? आप रसोई कर रहे हो, रसोई क्रिया है, अब हेतु है कि नहीं है? ना तो नहीं कहेंगे। घरे थी अड्डे तक आले ने आया, चलने की क्रिया हुई, तो हेतु क्या है? व्याख्यान के प्रभावना, तो प्रभावना नहीं भाई तो आले काले हैं जना, बेलन मोर्चो काटो महेंद्र बेरी आंख खुले जा। इसी आपने बदनाम करे के बाप से भैरव के प्रभावना बगर कोई बकौन बहता हुई गे महेंद्र भाई, यू एक बात पकड़े बैठा है, कोई हैंगर है मन में करने बैरो इस ना कह रही है, पर बैरो काले बेलन मूर्छो नहीं कर रहे। आप देख जो बोली नहीं कर रहे, अरे महाराज ने राजी करवा हो के ने, महेंद्र जी कह रही है कि बैरो ने प्रभाव ना बगर की कर मकौन में आवे, तो अनवास्ते अनोरे टीप करनी पड़े रही है के प्रभाव नारी टीप करो बैरो रे बेपालो सामायिक वह तो ही प्रभाव ना सही जे हॉस्को प्रतिकमण वह तो ही प्रभाव ना सही नहीं है भाई। क्या हमरा मोह महेंद्र जी
बनन हमरा मने मते हमरा बनन हा स्वामी वासल करबो अंदरी नगरी रो नाम बवे रोज स्वामी वासल राखो बस चले। आज ये 72 बरस का परिणाम है कि हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा समाज इसी में रह गया, आपने कदर नहीं की, इसका ये परिणाम। अब आप ये देख लो कि कैसे हमने देखा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है हेतु नहीं होता है, और वो कहां पर जाकर कर रहे हैं, 13वें गुण स्थान पर केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान कर रहे हैं। जो केवली हो गए वो 13वें गुण स्थान पर चढ़कर कोई क्रिया करे उनका हेतु ही नहीं है। आज सिमंदर स्वामी कर रिया है कि नहीं, हेतु बनता है राग द्वेष में से। क्या आज सिमंदर स्वामी अगर विहार भी करे आहार भी करे तो भी उनको कर्म बंध नहीं हो रहा है, उनका वैसे राग द्वेष करने का कोई हेतु ही नहीं है। सर हमारे यहाँ पर एक एक कदम कदम की प्रत्येक क्रिया पर हेतु, छोटी से छोटी बात पर हेतु है, बड़ी से बड़ी बात पर हेतु है। बाहर से आए अंदर पैर रखा, चप्पल उधर रखो कि इधर रखो, टेबल पे नीचे सपारू के बंदा मिलू, उतने में भी आपके अंदर का कोई ना कोई विचार तो काम कर रहा है। आप बाहर से आए आगे बहु के पुटे बहु, आदमियों ने पुटे व्यवहारों किए हुए तो अपमान लागे, ने बैरों ने आगे व्यवहारों किए हुए तो अपमान लागे। मैं कह रहा हूँ अंधेरी नगरी कह रही है, आप देखो उन्होंने हम ही थी बोलावे न कह के आगे बैठो तो वे के नहीं नहीं वो थम्बा ने पुटे मोर कायम री जगह बटे ने पुरुषों ने पोकियो वे के पुटे बहुत तो के मावसी मारो इंसल्ट वे के मु बीजी भगत बकौल में नहीं आओ। ये बड़ी समस्या है भाई साहब। यहाँ पर आपका हेतु किसके साथ क्या है? माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारी क्रिया की तो हेतु है बच्चे को सुधारना है, गलत आदत है। मंदिर ले गई तो उसने भंडार के ऊपर से चॉकलेट ली, तो भंडार पर से चॉकलेट नहीं लेने की अब उसके दिमाग में बुद्धि बदलनी है ऐसा। अब उसको तो क्या चॉकलेट देखा कि पसंद पड़ गई तो पट से उठाएगा, उसको कहाँ विवेक आएगा। अभी तो मम्मी एक बार दो बार थप्पड़ मार के उसको नहीं रख दो वापस, नहीं रख दो वापस, मम्मी झेड़ लेकर के छुपा दे या रखे तो उससे आदत नहीं जाएगी। अब उसको एक बार दो बार उसके मेमोरी में जाकर हैमरिंग होना चाहिए कि चॉकलेट मंदिर में भंडार माते थी नहीं लेविस थी, ये उसके दिमाग में कब आएगा। तो आपका हेतु पहले है क्रिया छोटी सी, वो ऐसी हल्की सी थप्पड़ है कि बच्चा रोता नहीं है, लेकिन वो समझता है कि माँ क्या कह रही है, क्यों कहना चाहती है। अभी उसकी समझ शक्ति बढ़ी नहीं है तो वहां तक उसके लिए वो अनिवार्य। नंबर 3 में आप क्या देख रहे हो कि क्रिया ना हो परंतु हेतु रहे, क्रिया नहीं रहती पर हेतु तो है। इसे सामायिक के अंदर भी बैठे बैठे मन में राग द्वेष कर रहे हो, क्लेश कसाय कर रहे हो, हालांकि जाके लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, क्रिया नहीं कर रहे हो, मन में राग द्वेष के संकल्प विकल्प जो उठ रहे हैं, तो फिर आपको कर्म बंध जरूर होगा। आपने किसी को मन से भी मारने का विचार किया है, आपने मन से भी किसी को गाली देने के विचार किए, आपने उपवास में भी मन से कुछ खाने की इच्छा व्यक्त की, काले पहले कोई खो आज तो उपवास है, मैं काले ब्यास में है, काले यू करूं, पहला वो खो। अरे भाई साहब कल की बात कल है, आज उपवास में ऐसी इच्छा करके उपवास क्यों तोड़ना चाहते हो, क्यों बिगाड़ रहे हो आप। लेकिन नहीं आसो बोल जाओ सा ब्यास ना रे दिन उपवास रो भाव जागे कि उपवास रे दिन ब्यास ना रे विचार बदारे आवे, नहीं बोलना वह तो आज मन बंद रख।
तमस्व आवेर्य भक्षाली, किसको और ज्यादा उपवास करने, हमें अंधेरी नगरी में तो कोई संभावना नहीं है, हमें तो अटे रस भले बीजे अतरी बहरी है, तुम्हें क्यों उपवास करी लो। आपको सुनकर हैरान होगा कि बड़ौदा के अंदर एक साथ में हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार मास्कमन हो रहे हैं सर। कहाँ कितने मास्कमन, कहाँ कितने मास्कमन, भाई चालू तो किया है, हिम्मत तो की है, अब भाई 100 200 400 कम भी हो जाएंगे तो भी हजार तो पहुंच जाएंगे। 1000 लोग मास्कमन करे, मास्कमन मतलब 30 उपवास। अब 1000 से 30 के साथ गुणाकार करो माजे कतरा हुआ सा 30,000 300,000 उपवास हो जाएंगे। अब इतने उपवास अगर एक धरती पर होवे, एक धरती पर, उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब है। ये जैन शासन का एक परम गौरव है, आज जैन शासन का एक अभ्युदय है कि एक साथ में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इतनी भी तपस्या कर सकते हैं। अबे महेंद्र जी हैं छकोण थी जो है फोन चालू बहरी है के पर में अंधेरी नगरी में एक मीनो पूर्व बहरी है के महाराज जी क्लास हो आले रही है, कोई कोई आवे रही है, कोई बने रही है, कोई है कोई क्लास हो। तो ये सुबह के 7 बजे जो लोग भूगोल पढ़ रहे हैं उन्होंने ये ड्राइंग बनाई है, ये इसलिए ड्राइंग बनाई कि मैं सबको सिखाओ, सब पाठशाला वालों को बुला करके बाहर से सबको बुला करके सिखाना है जैन भूगोल क्या। आज आप पहले प्रश्न पूछना कि इतने बड़े लोक में हम कहाँ रहते हैं या हमारी धरती कौन सी है, किस पृथ्वी पर हम कहाँ रह रहे हैं, ये आप कम से कम यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं इसमें आप समझने की कोशिश करना। और मोबाइल हाथ में है तो फोटो लेना वीडियो लेना, ये जैसे समझाते जाए उस समय आप समझ करके वो वीडियो लेकर घर जाकर बच्चों को दिखाना। चलो भूगोल पढ़ो, आप एक आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी उसको एक तरफ लेफ्ट ब्रेन में रखो और इधर ये देखो कि हमारे जैन आगम शास्त्रों में हमको भूगोल कैसे बताई, ज्योग्राफी क्या है, हमारी पृथ्वी कौन सी है, कितनी हमारी पृथ्वी है और पृथ्वियों के प्रकार कितने हैं, ये जब आपकी समझ में आएगा तो बात होगी। आप क्या समझते हैं कि न्यूटन और आइंस्टीन तक ही दुनिया है, ऐसा नहीं। न्यूटन आइंस्टीन हुए 200 300 साल के अंदर है और लाखों करोड़ों वर्षों से जो है जो दुनिया चल रही है जिसका वर्णन आगमों ने किया है तो उसमें कैसा अद्भुत और कितना सुंदर वर्णन, ये आपको समझने मिलेगा समझेगा अगर आप प्रयत्न करो और सीखो। और जिनको इंटरेस्ट लेना हो तो साथ में जुड़िए तो आपको ख्याल आएगा। 29 तारीख को जो है खास करके छुट्टी है तो यहाँ ड्राइंग कंपटीशन रखी है, चित्र प्रदर्शनी की स्पर्धा है। हमारे ट्रस्टी महोदय महेंद्र भाई वगैरह कह रहे बापसी 1000 रुपया का मोटा इनाम देना है हमके। आपको यहाँ 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा, बढ़िया कलरफुल चित्र बना करके आप प्रस्तुत करेंगे, आपको जो है बड़े बड़े इनाम भी है और बाद में ठीक है जो आएंगे साथ में जुड़ेंगे कॉन्सोलेशन प्राइस। लेकिन आप ये 2-4-5 बरस के बच्चों को लाएंगे उनके लिए जिस प्रकार का जैसा बना सके। ड्राइंग शीट आपको यहाँ से दी जाएगी, आपको बाजार से लेने जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ आपको जो है अंधाधुन पैसा जाएगा। बाकी का घर में पेंसिल वगैरह जो है वो आपको बच्चों को इनाम में वैसे ही मिला है, तो आप ठीक है कि अपनी तरह से आकर के बैठ करके ड्राइंग अच्छी तरह से कर सको। कोई भी हो, बड़ों का ग्रुप अलग रहेगा, छोटे बच्चों का ग्रुप अलग रहेगा, उनसे मम्मी और बेटा साथ में बैठ के करें तो भी चलेगा, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे। जो ऑन द स्पॉट आपको विषय दिया जाएगा उस हिसाब से आपको एक ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग शीट आपको यहाँ से लेनी है, अटैती लेनी है ड्राइंग शीट से। चले आप जब आएंगे यहाँ पैर रखेंगे तब यहाँ विषय लिखा हुआ रहेगा बोर्ड पर, जिस ग्रुप को जो विषय लिया जाएगा उसी ग्रुप से आपको इधर बोर्ड पर लिख देंगे, आप बैठना सामने, बैठ करके अपनी तरह से ड्राइंग बनाना शुरू करना। आप भाषा
मैं अभी पग मेली के बूढ़वा से बस बात तो अदृश्य है। जैसे ही आप अंदर जाओ आ जाओगे तो आप पढ़ लोगे कि आपको क्या बनाना है। अहिया लखेलू अशे ए तन टॉपिक एक जन ने तन टॉपिक मल से जे लखो बनावाना चित्र बनावाना 50 मार्क अने हाथे लखाना 50 मार्क। अगर किसी के ड्राइंग में अच्छे मार्क आ गए और किसी के जो है लिखने में कमजोर रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको जो कहा गया है वो तो आपको प्रस्तुत करना ही करना, बरोबर ध्यान रख करके। ये अभी भी ड्राइंग इधर भी है तो देख लेना, शायद ये बाहर रखे भूगोल की कोई अगर आ जाए तो उसमें से बना लेंगे आप, ये भी तो ख्याल आ जाएगा ना। नहीं तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है। इधर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ विषय आएगा चौदह राज लोग, अब आप क्या बनाओगे कैसे आप पूछने जाओगे ये क्या होता है ये क्या होता है। आपको ये लिखा है काश्मीर के दल वन के अंदर वहां नौका चल रही है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य आपको दिया जाए उस दृश्य को उपस्थित करना है और आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपको देखना है, आपकी जो उम्र है जिस उम्र के लेवल से आप कर सको बना सको, ये आपके फायदे के लिए। चलिए यहाँ ये विशेषता है, हम कर्म बांधने का काम आत्मा कर रही है। अब क्रिया भी कौन कर रहा है अंदर से, ये क्रिया करने वाली भी अंदर जो है आत्मा ही, और हेतु जो है वो इसके मोहनीय कर्म आदि ये राग द्वेष के कारण है। अब इनके कारण जो जैसा हेतु हो, अब ये क्रिया आपकी तीनों योग से चल रही है, मन से क्रिया चल रही है, वचन से क्रिया चल रही है, काया से क्रिया चल रही है। अब तीनों आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि मन से विचार करने की क्रिया तो आप कर रहे हो लेकिन शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा है, शरीर उस समय निष्क्रिय पड़ा है, आप सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, विचार में चढ़ गए आप, विचारों के अंदर मानसिक रूप से क्रिया करते जा रहे हो, किसी के साथ लड़ाई भी हो रही है मन में, या मन के अंदर किसी के साथ खराब विचार भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, सब चल रहा है, शरीर बिस्तर पर पड़ा है आराम से सो रहे हैं। अब आप क्रिया नहीं कर रहे हो तो कायिक क्रिया के दरवाजे बंद हो गए, ये बंद हो गई, ये चालू रहेगी। वचन योग आप बोलेंगे नहीं, घना बोरी वाली में भिजा तो उनमें ही बोले, अंधेरी में नहीं बोलता भी, लेकिन बाहर बेंगलोर में भी बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में कितने योग आपके साथ में जुड़ते हैं उस हिसाब से आपकी क्रिया होगी, तो ये आपको देखना है दोनों तरफ से कि जिस प्रकार से जैसा हमने बनाया है अब ये आपके पास में मन, इधर आपके पास जो जो इंद्रिया है ये वचन योग, और ये आपकी काया शरीर, अब ये तीनों जुड़ गए साहब। अब अगर मन से भी अगर आप कर रहे हो तो ये मन से करने की क्रिया का कर्म बना, अब इस कर्म को आप मानसिक कर्म कहेंगे। अब आप बोलेंगे मैंने गमे तो गया ही नहीं, मारा ही नहीं, किया नहीं, खाली विचार ही आए, लेकिन विचार भी आपको कर्म बंधा रहे हैं, ये बात भी आपको समझ कर लेनी पड़ेगी। अब मानसिक भी कोई अच्छे भी विचार आ जाए, किसी को सपना आ रहा है कि मैं पालीतरा यात्रा कर रहा हूं, तो ये आपका शुभ पुण्य कर्म भी अच्छा बनेगा।
कोई ना थोड़ी है भाग्यशाली, सब कोई अशुभ पापी बनेंगे ऐसा नहीं है। आपको कैसे विचार आ रहे हैं? अब ये विचारों के अंदर आप किसी को मार रहे हो, भय करो मारा पसी लाग नहीं दे रही हो, ऐसा 10 वर्ष रह गया, अब आपको विचार विचार में उसको मारने की क्रिया का ये भी निमित्त आपका जो बन रहा है कर्म तो आपको बनना। आप ये बोलेंगे मैंने तो मारा ही नहीं है, मैंने कहाँ मारा है, मन से मानसिक रूप से मारने की क्रिया आपने कर ली। इधर आपके पास में वचन योग है, अब वचन योग की भाषा आप बोलते हो तो भी आपको ये देखना है कि मैं किस प्रकार की कैसी भाषा बोल रहा हूं। कौन बोले रही है, ऐसा जीभ बोले रही है कि होठ बोले रही है कि मुंह बोल रहे, मन बोलता नहीं है। आप मन के ऊपर कुछ भी मत डाल, यहां पर जो भी बोलना करना है यह आत्मा को बोल दो, कर्ता अंदर चेतन आत्मा, बोलना करना जो कुछ है आत्मा। अब ये जरूर है कि ये कर्म उसके बांधे हुए हैं तो वो अपने अपने कर्मानुसार बोलेगा। अब ये कर्म आज के हैं, पिछले जन्मों के हैं, कहां से किस जन्मों के लेकर आए, अब वो कर्म आपको बोलने के लिए बाध्य कर रहे। शेठ साहब अटे थी हवेलो पूजा करने गया और वो अपने फैक्ट्री पर जाकर के लेबर को जैसी तैसी गाली गलौज की भाषा बोल, भाषा अबे तो पूजा करें तो किया नहीं, 8 बजे पूजा के दिन 10 बजे बटे जन गाली बोले दिया, क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा करना चाहिए? आप बोल रहे हो गाली गलौज, फिर बोलते हो कि नहीं बापसी, ये तो अनिश लाग रहा है, ये सुनते नहीं है, ये लेबर लोग मजदूर है, ये मानते नहीं है, सुनते नहीं है। आप उनकी बात छोड़िए, आपने जिस प्रकार के जैसे भाषा के शब्द प्रयोग किए, आपने जिस प्रकार की भाषा बोली, अब ये कर्म आपको बन गया। अब आप कल जो है नीच गोत्र में जाकर पैदा होंगे, आपके बोले हुए शब्दों की सजा आपको भुगतेगी, तब क्या परिणाम आएगा? और ये कल बोले हुए शब्दों की सजा 100 साल भुगतनी पड़े, 500 साल भुगतनी पड़े, 1000 साल भुगतनी पड़े, 10,000 साल भुगतनी पड़े, तब कैसी हालत होगी, उस दिन कैसी हालत होगी, ये पहले आप अपने अंदर सोच लो, क्योंकि बांधा हुआ कर्म तो भुगतना ही पड़े, आज बांधा है या पिछले जन्मों का बांधा है, पिछले जन्मों का बांधा है तो आज इस जन्म में आकर हमें भुगतना पड़ेगा। आज अगर आपने बांधा है, पॉसिबल है कि शायद इस जन्म में भी भुगतना पड़े या अगले जन्म में भी जाकर के भुगतना पड़े या भविष्य के 10-20 जन्मों तक भुगतते रहना पड़े, क्योंकि जिस प्रकार का जैसा कर्म बंधेगा। अब आयुष्य तो आपका ठीक है 100 साल का है, लेकिन बाद में क्या होगा, और कर्म बंधा हुआ है 10,000 साल बांधा है, वो कर्म उसकी टाइम लिमिट 10,000 साल की है, तो आपके 100 साल के हिसाब में पूरा क्या होगा, ये आपको देखना है यहाँ पर। अब ये वचन योग से बोलने की क्रिया हो रही है, इसी मुंह से खाने की क्रिया हो रही है, न खाने का भी आप खा रहे हो, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा वाले पदार्थ भी अगर आप खा रहे हो और वो सारे आपके कर्म बंध के कारण बन रहे हैं, तो जीभ जबान दोनों में काम में आ रही, मुंह जो है बोलने में भी काम आ रहा है और खाने में भी काम आ रहा है। अब दोनों तरीके से अगर डबल कर्म बन रहे हैं तो आप एक ही अंग है, शरीर का अंग लिमिटेड हो गया, मुंह की अपनी एक मर्यादा हो गई, जीभ की अपनी एक मर्यादा हो गई। अब जिस प्रकार के जैसे जो शरीर के अंग बन गए हैं, अब वो अपनी तरफ से चलते रहेंगे सब, तो ये विराधना कितनी है, हम कैसे कर्म बांध रहे हैं,
और बांधे हुए कर्म का फल मेरा मुझे ही भुगतना है। फैक्ट्री का स्टाफ बाहर नहीं आएगा, उन्होंने बोला नहीं है, शेठ ने बोला है। वो तो बेचारे चुपचाप सुनकर काम पर लग गए। आप ज्यादा बोलने जाओ, वो कुछ करने जाए, बोलने जाए तो आप उसको मारपीट करके निकाल दो। उसका पेट भरने पर, रोजी रोटी पर सवाल आ जाए, वो बेचारा चुपचाप सहन करके, चलो भाई चलो भाई, ऐसे करके सेठ ने बोला तो भी सुन करके चल रहा है। एक घोड़ा गाड़ी में जुड़ा है और वो चल रहा है। सेठ चाबुक में मारेंगे तो भी दौड़ना पड़ेगा। पेट में दुखता है या पैर दुखता है, मालिक ने चाबुक मारी है, मुझे दौड़ना ही दौड़ना है। शरीर साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, चल पा रहा हूं नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन नहीं चलूंगा तो मालिक और चाबुक मारेगा। अब करना क्या था? वचन योग की भाषा के अंदर आप बार बार मारना, मारा, मारना, मारो, मारो, ये शब्द न बोलो तो चलता है क्या? फोन करो के फोन मारो। महाराज साहब कह रहे मिस कॉल मारो, यू बोल। अब मिस कॉल करो बोलवा में कोई तकलीफ है आप रे? अब मिस कॉल मारो बोलने के बजाय मिस कॉल करो। एक शब्द इधर उधर आपने कर दिया। मारो शब्द कृष्ण लेशिया का वाचक हिंदी शब्द मारने अर्थ में है। आपके पास शब्द नहीं है क्या? ये कौन करेगा? जिनके पास वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपके दिमाग में जिनके पास अच्छे शब्द नहीं है, ऐसे लोग ही ऐसा काम करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे सर? कोई भी क्यों करेगा? ये आपको पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमको नहीं करना है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है। ऑलवेज यूज द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, ऑलवेज यूज द बेस्ट वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। शब्द के अंदर भाषा बोलते समय अच्छे से अच्छे शब्द में बोलूंगा, ये तय करो। मुझे ऊंचे शब्द ही बोलना है, मुझे उत्तम कक्षा के शब्द ही बोलना है, पहले ये तय करो आप। क्यों हम ऐसा करें, जैसे तैसे शब्दों का प्रयोग करें क्यों? क्योंकि शब्द बोलने में भी कर्म का बंध हो रहा है। हर शब्द कर्म बंध कारक बन रहा है, हर विचार कर्म बंध कारक बन रहा है। और जब आप फिजिकल एक्टिविटीज, कायिक क्रिया, शरीर से करने वाली काया की क्रिया भी आप करोगे, उसमें किन जीवों की विराधना कैसे होगी? तो प्राणातिपात के अंदर ये विभाग जोड़ा गया है। 10 प्रकार की क्रियाएं आपको इरियावई सूत्र में बताई है, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संगटिया, पर्याविया, तिलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणम, संकामिया। 10वीं लास्ट क्रिया दी है, जीवियाओ बवरो। अब ये 10 के अर्थ समझ लो पहले। क्रियावाची शब्द है, 10 शब्दों के 10 अर्थ आपको पास ध्यान में आना चाहिए। जब हमारी कायिक क्रिया होती है, चलना फिरना घूमना आना जाना जब भी होता है, कोई 10 में से कौन सी हो रही है? अभी आया हो रही है कि वत्तियां हो रही है? मेरे पैर से चलते चलते किसी को ठोकर लगी, अभिघात हुआ कि नहीं हुआ? अब उसमें कोई जीव सामने वाला चींटी है कि मंकोड़ा है कि जो है, अब उसकी हिंसा हो सकती है, तो वो आपको टालना जरूरी। कैसे करेंगे, कैसे आप? जब आपको किसी सामने वाले को जीव के रूप में मानना है कि नहीं मानना है, सामने वाला भी कोई जीव है कि नहीं है, आप अपने आप को जीव समझ रहे हो, मैं जीव हूं, तो दूसरे भी जीव है कि नहीं है, दोनों साथ में समझिए। जैसे आप एक जीव है, वैसे वो भी जीव। ये जरूर है कि वो अपने कर्मानुसार कोई दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बना है, कोई चौरेंद्रिय बना है, कोई छोटा जीव बना है। आप अपने तरफ से आज पंचेंद्रिय बन गए हो,
एक दिन तो आप भी एक इंद्रिय में थे, एक दिन आप भी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में थे, हमें भी कीड़ी मकोड़े के भोग तो किए ही है, हम उसी में से निकल कर तो आ रहे हैं। जब हमने किए हैं तो ये आपको पहले ख्याल आ जाना चाहिए, अभी हया से किस प्रकार की हिंसा होती है, बत्तिया से क्या हो रहा है, लेसिया से क्या हो रहा है, संगाया से क्या हो रहा है, संगठिया से क्या हो रहा है, ये आपको समझना है। लास्ट में देखेंगे दसवें नंबर पर जीविया और बबरो भी, ये मर गया कि नहीं, जीवित जीव से शरीर से अलग हो गया कि क्या हो? आप एक चींटी बैठ गई मंकोड़ा बैठ गया खींचने जाओगे तो वो छोड़ेगा नहीं, उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाए, शरीर के दो टुकड़े हो गए तो वो बेचारा मर गया। अब तेंद्रिय जीव आया है, उसको बड़ी मुश्किल से आपके शरीर में अगर एक बूंद भी खून मिल रहा है वो बरोबर आपकी चमड़ी पर पकड़ के बैठा है। अब उसने अपनी जीभ जो है नोक की तरह से आपकी चमड़ी में डाल करके वहां फंसा के रखा है और एक एक बूंद चाट रहा है, निकाल नहीं रहा है, सक्शन करके खींच नहीं रहा है, लेकिन वो चाट रहा है। अब आपको तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो आप उसको पकड़ के खींचने जाओ, आप खींचने जाएंगे तो उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाए, आप खाली जो है एक एक दो दाना नमक डालो, शक्कर डालो और पानी डाल दो, दो ड्रॉप, वो तुरंत बाहर आ जाएगा, मीठा पानी पीने लग जाएगा, शरीर पर से निकाल के। थोड़ी युक्ति बनाओ, मात्र मैंने खींचने की क्रिया की तो आप खींचने की क्रिया करोगे तो वो भी अपनी ताकत लगाएगा, उसकी ताकत के हिसाब से वो अंदर जो है जम कर बैठा रहेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता है, बड़ी मुश्किल से खाने को मिला है, और हेड साहब घनी चॉकलेट खाए, बिस्किट खाए, शक्कर खाए, दूध में पिए, चाय में पिए, खून भी अच्छा बढ़िया मीठा है, आपको भी मिठाई भाती है, पसंद आता है तो उसको भी मिठाई पसंद है, अब वो मीठा खाने जाए और आप उसको खींच करके निकालो, आप तो राजी हो जाओ, कोई फर्क पड़े हो, अपने ब्लड में थी थोड़ी शुगर ओसी बहती है तो डायबिटीज जल्दी मटे, तो वो खा रहा है, वो पी रहा है, अब आपको उसको क्या करना, उसके शरीर के टुकड़े नहीं करना। कोई पिछले जन्म में मेघरथ राजा ने अपने शरीर पर से जो है मोह उतार दिया और बाज पक्षी एक तरफ जो है तराजू में बैठ गया, वजन बढ़ा रहा है, इन्होंने अपने शरीर का मांस निकाल कर रख दिया, बात ऐसी आ गई तो खुद ही बैठ गए तराजू में और अपने शरीर का मांस का टुकड़ा निकाल कर रख दिया कि चलो भाई इसका पेट भरता है, इसका भक्षण है, खाता है खाने। अब कैसी कैसी जीव रक्षा पाली, कैसी कैसी जीव दया की, तब जाकर के बचे हैं, नहीं तो क्या होता, वही मर जाते, उसी समय मरने की नौबत आ जाती। एक खाली गमना गमने आने जाने की क्रिया में कितनी जीव विराधना होने की संभावना है। इरिया वही सूत्र के दो विभाग कर दिए, जे में जीवा विराहिया तक का एक विभाग किया, इधर दूसरा विभाग आपको पहचान करा दी, इधर एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया के नाम लिख दिए, इधर अभी हया वत्तिया लेसिया ये हिंसा के प्रकार, जीव हिंसा के प्रकार है, ये विराधना के तरीके हैं। अब किसमें किस तरीके से हिंसा विराधना होती है आप ये स्वीकार करो, सामने वाला भी जीव है मैं भी जीव, उसको उसके हिसाब से उसका खुराक है खाना पीना जो उसको चाहिए, हमको हमारे शरीर के लिए हमारा खुराक है, हम अपने तरफ से जीवन जी रहे, वो अपने तरफ से जीवन जी रहा है, अब वो तेंद्रिय में आया है, वो चौरेंद्रिय में आया है, वो अपने तरीके से जैसा जीवन है जी रहा है, हम अपने तरीके से पंचेंद्रिय मनुष्य की तरफ से जीवन जिएंगे, तो उसके कारण हमारे कारण उसकी हिंसा ना हो, उसके कारण हमारी हिंसा, ये आज हमको पहले समझना है, वो करेंगे उनको भी पाप का भागीदार,
डेंगू के मच्छर मच्छर है, मलेरिया के मच्छर है, चिकनगुनिया के मच्छर है, वो मच्छर आकर अगर आज आपको डंक दे, काटे और आपकी हिंसा हो तो वो भी पाप का भागीदार। लेकिन आज दिन तक मनुष्यों के मारने से कितने मच्छर मरे और मच्छरों के मारने से कितने मनुष्य मरे, दोनों का हिसाब करके अंक संख्या निकालिया। भारत सरकार भी कह रही है कि हर साल 5 लाख लोग मलेरिया से मर रहे, आज भी मर रहे हैं। अब इतनी बारिश होगी तो मलेरिया के मच्छर पैदा नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? महिलाएं अपने घर की दीवार साफ कर देगी, लेकिन बाहर टायर में पानी भरा है, गमले में पानी भरा है, एक रबर का टुकड़ा पड़ा है उसमें पानी भरा है, एक प्लास्टिक का बाउल पड़ा है उसमें पानी भरा है, ये नहीं देखेंगे। हमने हमारा घर साफ कर दिया, हमारा घर साफ हो गया, लेकिन वो जो मच्छर पैदा होगा वहां पर, इतने से पानी में पैदा हो रहा है, या तो टायर में पानी फंसा है उसमें भर के पैदा हो रहा है, या आपने देखा कि प्लास्टिक का बाउल किसी ने फेंका है पड़ा है पानी भर रहा है, अगर उसमें मच्छर पैदा होगा तो वो हिंसक प्राणी है, वो मात्र खून पीकर ही जी सकता है, और वो रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी नहीं खाता है, उसका तो काम ही इतना है। अब ये हमें देखना है, थोड़ी बहुत हमारी समझ ये होनी अनिवार्य। हम साफ सफाई करें तो उन सब की साफ सफाई एक साथ करिए, वो भी नहीं रहने चाहिए। आप सोसाइटी में हैं तो पूरी सोसाइटी देखिए, क्योंकि मच्छर को 10वें मंजिल पर आते हुए देर नहीं लगेगी, ये होना ही होना है, वो भी आएंगे वो भी रहेंगे, समझे कि नहीं? ये आप देख रहे हो कि क्रिया और हेतु, फिर आगे इसमें देखेंगे कि कैसे क्रिया और हेतु दोनों साथ में मिल रहे हैं, और जिसमें बिल्कुल नहीं हो रहे, कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई हेतु नहीं हो रहा है, तो आपको कर्म बंध भी नहीं होगा। लेकिन तीसरे नंबर के हिसाब से क्रिया भी कर रहे हो, हेतु भी चल रहा है, दोनों साथ में। कई लोग हेतु इतना खराब करते हैं साहब, कल दूसरे दो विभाग करेंगे शुभ और अशुभ हेतुओं का, तो वो भी आपको ख्याल आ जाएगा, दोनों समझेंगे आप। तो ये जरूरी है कि दोनों में से आपको क्रिया और हेतु, अब हम अपनी तरफ से हमारे अंदर दोनों बात पर ध्यान रखना है, मैं मेरी क्रिया पर भी ध्यान रखूं और मेरे इंटेंशन पर हेतु पर भी ध्यान रखूं। मेरी क्रिया भी सही ढंग से शुद्ध हो रही है और मेरे इंटेंशन में हेतु हमेशा सही ढंग से साफ रह रहे हैं, ये बरोबर आप देखते जाइए तो आपको ख्याल आ जाएगा। बक्षालियो देखिए व्याख्यान चलते जा रहे हैं, परसों एक महीना पूरा हो जाएगा, एक तो सबकी कॉपी जांची जाएगी, आपने किसने क्या लिखा है, किसने कितना लिखा है, लिखने वालों को भी पुरस्कार विशेष है, किसी के पास कॉपी कम पड़ती हो तो यहाँ से ले लेना। ट्रस्ट ने संघ ने अपनी तरफ से नई कॉपियां और छपाई है, आप प्रयत्न करके भी कोशिश करिए कि और ज्यादा अच्छी तरह से आप लिख सको, ये आपका खजाना हो जाएगा, लिखा हुआ आपके ज्ञान का खजाना है। अगर कल परसों बेटी अगर बाहर से आए रक्षाबंधन पर तो आप दिखा के इसकी जरूरत दो, इसको भी काम आएगा कि चलो हाँ कितनी डिग्री हो छे माँ जी, 2 डिग्री आवश्य ने, ले 2 डिग्री तुम्हारी आवे त्यारे आ जरो साहब जो कॉपी नहीं, तो एमाथी हमने पण समझवा शीखवानो अभ्यास करवानो ख्याल आवशे। ये आपके लिए जो है आयोजन जो हो रहा है, थोड़ा सुबह जल्दी पधारिए और समय पर जल्दी पधार करके ध्यान दीजिए। जो उपवास के दिन ब्याशने के लिए आते हैं वो अपनी तरफ से 1-20 मिनट यहाँ बैठ के 27 लोगस गिन करके बाद में ब्याशना करने बैठिए। अब कोई क्रिया कर रहा है नहीं कर रहा है, रस है रुचि है नहीं है, बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई क्रिया करते हुए नहीं दिखते ऐसा, तो क्रिया छोड़िए मत, क्रिया साथ में अनिवार्य है। जो अनुष्ठान यहाँ पर अलग अलग तरीके से हो रहे हैं उन अनुष्ठानों में भी साथ में जुड़ करके भाग लीजिए। आप बस्कार भागशाली बोलिए।